तो गाइज मैंने आपको बिल्ड क्वालिटी बता दिया कि भैया कैसी है तो वैसे प्लास्टिक, बट गाइज जो इसका प्राइस है 800 रुपये उसके हिसाब से यार बड़ी अच्छी है। बस ध्यान रखना जब आप इसको पहन रहे हो तो यार गिरा मत देना, क्योंकि यार एक बार ये आपके अगर आप लोग चल रहे हो और गिर गए तो गाइज फिर यहाँ से ना लोग ड्राइवर से ये ड्राइवर वगैरह खुल जाते हैं इसके और फिर एकदम ऐसे ना बिखर जाते हैं, फिर ये बेकार हो जाएंगे। यो गाइस नदरी जी ने चैनल पर स्वागत है और आज इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्स करेंगे पीट्रॉन के बेस बर्ड्स लाइट। और मैं वीडियो को स्टार्ट होने से पहले बता दूं ये मैंने गाइस 800 रुपए के लिए हैं और ये ट्रिपल एन के वैसे आते हैं बट मैंने सेल में 800 रुपए के लिए हैं। और गाइस इवन अगर आपको ट्रिपल एन के मिल रहे हो तो गाइस ले लेना क्योंकि ये बहुत प्यारे हैं। और साउंड क्वालिटी कैसी है, बेस कैसा है, कॉल क्वालिटी कैसी है, ओवरऑल कितने सारे फीचर्स है, कैसा है, सब बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन गाइस इसके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही शब्द है, वो है एक नंबर। तो गाइज मतलब वीडियो का स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको इतनी चीजें बता दी होगी गाइज, इसने मुझे बहुत सरप्राइज किया है हर चीजों में, तो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ कि भाई क्या क्या चीजें हुई है। तो गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये कुछ पैकेजिंग आती है और यार प्राइस के हिसाब से पैकेजिंग मुझे काफी अच्छी लगी। आप देख सकते हैं सामने पीट्रॉन, नीचे पीट्रॉन और यहाँ पे बेस बर्ड्स लाइट, ट्रूली वायरलेस स्टीरियो ईयरबर्ड्स। ठीक है, इसमें कोई वायर नहीं होती, सिर्फ ब्लूटूथ से कनेक्ट करो और बूम गाना चालू। ठीक है, यहाँ पे पीट्रॉन बेस बर्ड्स लाइट ट्रूली वायरलेस स्टीरियो, राइट में भी डिटो सेम लिखा हुआ है। पीछे आ जाते हैं, ठीक है, पीछे यहाँ पे लिखा हुआ है कि यार ये 2000 के, बट मैंने इसको 800 रुपए में खरीदा है अमेजोन से और वैसे सेल में खरीदे, लेकिन आप लोगों की शायद 999 के हो जाए जब तक आप वीडियो देख रहे हो। और इसमें ब्लैक और व्हाइट आता है, लेकिन मैं ब्लैक ले लूं कि यार व्हाइट मतलब नॉर्मली काफी बंदे यूज कर रहे होते, तो मैंने सोचा यार ब्लैक लेते हैं। और ब्लैक भी यार बड़े प्यारे एकदम प्रीमियम क्वालिटी दिखती है इनकी। और ऊपर आता हूं, यहां पे देखो कनेक्टिविटी एडवांस वायरलेस, इसमें गाइस ब्लूटूथ वर्जन 5.2 है जो कि बहुत ही प्यार से कनेक्ट हो जाता है, बहुत ही फास्ट कनेक्ट हो जाता है, तो यार आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाले ब्लूटूथ में। और ड्राइवर साइज 10 mm जो कि बहुत ही प्यारी बात है। और यार गाइस मतलब क्या आउटपुट जनरेट करता है मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, लेकिन गाइस मजा आ जाता है जो इसकी साउंड क्वालिटी और बेस है। ठीक है गाइस, बाकी चार्जिंग टाइम वगैरह जो टॉक टाइम है, म्यूजिक है, क्या कितनी बैटरी बैकअप देता है वो मैं आपको सब बताऊंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, इसको थोड़ा खोल लेते हैं और ये है गाइस कुछ हमारे पीट्रॉन के। ठीक है, तो ये हमारा केस आ जाता है और ये हमारे बर्ड्स हैं। ठीक है, ये ऐसे आते हैं, इनको थोड़ा सा भी हम साइड में कर लेते हैं फटाक से। बाहर आ जा भाई, क्या हो गया। हाँ, और इसको भी एक बार भाई, ये केस है इसके, हम लोग अभी बारे में बात करते हैं। ठीक है, और हम लोग को इस डब्बे के अंदर हम लोग को मिल जाता है एक माइक्रो यूएसबी, तो ये माइक्रो यूएसबी लगती है केस में जिससे हम चार्ज कर सकते हैं। ये हमारे कुछ मैनुअल्स, ठीक है, और ये हम लोग को एक्स्ट्रा एयर टिप्स मिलते हैं। तो गाइस जो इसमें हम लोग को स्टॉक आता है वो लार्ज वाले एयर टिप्स आते हैं, तो आप अपने कान के हिसाब से लगा सकते हैं, मतलब यहाँ पे मीडियम और स्मॉल भी है, तो यार आप वो देख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको कर देते हैं साइड में, अब हम आते हैं सिर्फ केस पर और हमारे ईयरबड्स पर। तो गाइज ये बड़े अच्छे हैं, वैसे इनकी जो क्वालिटी है वो प्लास्टिक ही है, बट फिर भी गाइज इसके ऊपर ना एक मैट फिनिश है जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी दे देता है, बट फिर भी गाइज ये है तो प्लास्टिक ही। तो मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आप ये ले रहे हो तो थोड़ा ढंग से यूज करना, ये नहीं है कि आप इसको फेंक रहे हो या जो भी हो, क्या टूट टूट सकते हैं। तो ये देखो, तो ये प्लास्टिक ही है। ठीक है, और ये आप ईयरबड्स देखो कितने बड़े हैं, नॉर्मल यूजली जब मैंने लिया था मैं सोचा छोटे से होंगे, बट एक्चुअली में काफी बड़े होते हैं। मैं आपको भी अपने कान में लगा के दिखाता हूं। ठीक है, और इससे हम लोग क्या करते हैं मैं आपको पहले बता दूं कि इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे प्रेस करना होता है, तो ये देखो रेड लाइट जल जाती है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली चार्ज हो रहे हैं। ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा आपको हार्ड प्रेस करना होता है, तो देखो दोनों में, लेफ्ट वाले में भी और राइट वाले में बैटरी जल गई। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो पीट्रॉन लिखा हुआ है, और नीचे मैं दिखा दूं यहाँ पे आपको अपनी माइक्रो यूएसबी लगा रही है ताकि आप पूरा केस चार्ज कर पाओ। ठीक है, और ये आपकी एलईडी लाइट है जो डिनोट करती है कि भाई आपका जो ईयरबड जो चार्ज हो रहे हैं। और ये छोटा सा बटन है, ये देखो ये बटन है, तो आप इसको ऐसे दबा के रखोगे ना, तो ये देखो अब ये चार्ज होने बंद हो गया है। ठीक है, तो अब आप इसको मतलब अभी ये चार्ज नहीं हो रहा है, आप इसको वापस चार्ज करना है तो आपको ये वापस दबाना पड़ेगा एक ही बार। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे आप अभी ईयरबड्स निकाल लो और आपको बिना बटन दबाए सिर्फ आपको ये इसके अंदर लगाने हैं, तो गाइस ये ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बटन आपके किसी यूज का नहीं है। और मैं आपको अब जल्दी से ब्लूटूथ अपना कनेक्ट करके दिखाता हूं। तो ये देखो मैंने जैसे ही ईयरबड्स निकाले, ठीक है, दोनों में देखो लाइट जलती है। ठीक है, अब गाइस ये देखो सिर्फ एक में लाइट जल रही है,
ठीक है, अब उसका मतलब ये है कि दोनों आपस में पेयर कर रहे हैं, लेकिन जब दोनों में लाइट जलना बंद हो गई हो तब मेरे फोन से देखो ऑटोमेटिकली, देखो पीट्रॉन आ जा, पीट्रॉन के बेस बेड लाइट ऑलरेडी कनेक्ट हो गए हैं। तो जब दोनों आप निकालते हो दोनों में लाइट जलती है उसका मतलब दोनों आपस में पेयर कर रहे हैं, जब एक में लाइट जलती है उसका मतलब दोनों आपस में पेयर हो गए हैं। फिर आपको सर्च फॉर न्यू डिवाइस करना है अपने ब्लूटूथ में, और देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, आपसे बात कर रहा था और इतने में जो पीट्रॉन के जो बड्स हैं वो कनेक्ट हो गए। तो गाइस ये है एक बहुत प्यारा, एंड इनको आप वापस आप केस में डालोगे ठीक है तो ये वापस डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। अब मैं एक बार आपको इसकी क्वालिटी बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट, ये लेफ्ट के लिए ठीक है, ये राइट के लिए है, और नीचे हम लोग को चार्जिंग के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे जो ये बट ये केस है इसके अंदर जो चार्जिंग पिन है वो बेसिकली यहाँ पे लगती है ठीक है, और ये आप जो छोटा सा बटन देख रहे हो दोनों में है बटन, ये देखो ये वाला जो बटन है ये MFB है, मल्टी फंक्शनल बटन। तो इसी से हम लोग एक बार दबाएंगे तो कॉल आ जाती है, हम लोग उठा लेते हैं, प्ले पॉज कर सकते हैं गाने को ठीक है, वॉइस असिस्टेंट चालू कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग को रीडल वगैरह करना है। तो ये सब जो MFB होता है वो मल्टी फंक्शनल बटन होता है, इसमें कोई टच वच नहीं है। और ये जो आप देख रहे हो ये जो छोटे छोटे माइक्रोफोन, तो गाइस ये है माइक्रोफोन जो कि कैसी कॉल क्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो गाइस आई होप मैंने आपको सब कुछ बता दिया और हम लोग डिटेल से बात करते हैं। तो गाइस मैंने आपको बिल्ड क्वालिटी बता दिया कि भैया कैसी है तो वैसे प्लास्टिक, बट गाइस जो इसका प्राइस है 800 रुपए उसके हिसाब से यार बड़ी अच्छी है। बस ध्यान रखना जब आप इसको पहन रहे हो तो यार गिरा मत देना, क्योंकि यार एक बार ये आपके अगर आप लोग चल रहे हो और गिर गए तो गाइस फिर यहाँ से ना लोग ड्राइवर से ये ड्राइवर वगैरह खुल जाते हैं इसके और फिर एकदम ऐसे ना बिखर जाते हैं, फिर ये बेकार हो जाएंगे। तो गाइस ट्राई करना कि ये ना गिरे ठीक है। अब गाइस हम लोग डिटेल में बात करेंगे किस चीज के बारे में, जो पहला पॉइंट है ये कि गाइस जब हम इसको कान में लगाते हैं ठीक है तो गाइस लगते तो बहुत ज्यादा कूल है, ये देखो मतलब बहुत ही प्यारे लगते हैं। और मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये ब्लैक में भी है व्हाइट में भी, लेकिन यार मुझे ब्लैक में ज्यादा अच्छे लग रहे थे। तो गाइस पहला पॉइंट ये है कि जब मैं चल रहा हूँ या भाग रहा हूँ तो ये क्या गिरते हैं नहीं गिरते, तो गाइस जितना मैंने चला है उसके हिसाब से नहीं गिरे, बट हो सकता है कि यार भागने में गिर सकते हैं। तो एक बार ध्यान करना कि अब अगर आप भागने जा रहे हो तो थोड़ा सा ट्राई करो कि यार थोड़ा सा ध्यान इसके ऊपर रखो कि ये ना हो कि यार उछल के गिर जाए, बट जितना मैंने यूज किया उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि यार ये नहीं गिरते हैं ठीक है। दूसरी चीज ये कि जब आप इस पे 40-50% पे गाने सुनते हो तो यार बाहर की आवाज आती है इसमें, जब आप 60-70% पे सुनते हो तो यार थोड़ी सी जो बाहर की आवाज है वो कम हो जाती है, बट ये नहीं होती यार पूरी मिनिमाइज नहीं होती, बट हाँ थोड़ी सी कम हो जाती है। तीसरी चीज ये है कि गाइस हम लोग इसको एक भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि यार अगर आपको मन कर रहा है कि मैं सिर्फ यार राइट का लगाऊं तो मैं सिर्फ राइट का ऐसे लगा लूं ठीक है, और जो लेफ्ट वाला है वो मैं इसको आराम से इसके अंदर, तो मैंने जो लेफ्ट वाला है वो मैंने इसके केस के अंदर रख दिया और जो राइट वाला है वो मैंने यूज कर लिया। अगर आपको लेफ्ट वाला यूज करना है आप लेफ्ट वाला यूज करो, आपको राइट वाला यूज करना है आप राइट वाला यूज कर लो ठीक है। चौथी चीज गाइज ये है कि गाइज आप इसको पहन रहे हो, भाग रहे हो, वर्कआउट वगैरह कर रहे हो तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप इसको बाल्टी में ही उठा के फेंक दो, वाटर प्रूफ वगैरह नहीं है, बट स्वेट रेजिस्टेंट है, तो आप अगर कभी भाग रहे हो वगैरह वर्कआउट कर रहे हो तो मुझे लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए ठीक है। पांचवी चीज गाइज ये है कि यार पबजी में लैग है या गेम वेम में या तुम मूवी देख रहे हो तो उसमें लिपसिंग वगैरह में लाग आता है नहीं आता। पहली चीज बता दूं मैंने इस पे YouTube, Netflix, Prime वगैरह हर किसी पे वीडियो सीरीज मूवीज वगैरह में देख चुका हूं इसी ईयरफोन से, तो भाई इसमें मुझे लिपसिंग का कोई भी लाग नहीं नजर आया। अगर आया भी तो 3-4 सेकंड बाद या फिर 10 सेकंड बाद 15 सेकंड बाद अपने आप चला जाता है। और पबजी में बता दूं पबजी में 100% लाग रहेगा ठीक है, थोड़ा सा जैसे आपने गन फायर किया तो इसमें डीले वाली साउंड आएगी, और इसमें यार वैसा तो है नहीं रियलमी वाला, रियलमी में क्या होता है कि लो लेटेंसी मोड होता है। अगर आपने गाइस वो वाली वीडियो चेक नहीं करी है तो यहाँ पे देख लेना, मैं आई बटन दे दूंगा। तो गाइस उसमें मोड होता है लो लेटेंसी का यार, उसमें क्या होता है जो लैग है ना वो थोड़ा सा जो रियलमी है वो रिड्यूस कर देता है, तो उसमें जो लैग है वो थोड़ा कम नजर आता है, बट इसमें गाइस पबजी में तो इसमें जो लैग है वो आपको दिखाई देगा ठीक है। अब हम बात करते हैं गाइस ये जो पूरा केस है ये आपका कितनी देर में चार्ज हो जाता है और कितनी देर का बैटरी बैकअप देता है। तो गाइस ये जो है हम मेरा 1.5 घंटे के आसपास का चार्ज हो जाता है ठीक है, 1.5 से 1.75 घंटे का। गाइस ध्यान से सुनना, इसने मुझे 6 घंटे और 27 मिनट का बैटरी बैकअप दिया है गाइज, और मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं खुद हैरान था कि यार इतना मतलब 800 रुपए के हैं 900 रुपए के हैं और इतने अच्छी बैटरी कैसे दे सकते हैं, बट गाइज इसने मुझे 6 घंटे 27 मिनट का बैटरी बैकअप दिया। उसमें मैंने गाना वाना कुछ नहीं सुना, मैंने सिर्फ लगातार सीरीज देखी थी मनी। तो गाइज मैंने लिटरली 6 घंटे 27 मिनट नॉन स्टॉप देखा है और उसके बाद ही जाके डेड हो गए थे ठीक है, और फिर ऑब्वियसली केस में चार्ज करना पड़ता है। और इस केस से
आप इस ईयरबड्स को, दोनों ईयरबड्स को तीन बार चार्ज कर सकते हो, तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट यार 18 घंटे तक आपको ये जो बैटरी बैकअप है वो मिल जाता है। तो गाइस बैटरी के मामले में बहुत ही टॉप नॉच है, ठीक है। अब मैं इसकी बात करता हूँ साउंड क्वालिटी के बारे में, बेस क्वालिटी के बारे में और कॉल क्वालिटी के बारे में। तो गाइस इसमें क्या है, साउंड क्वालिटी मुझे इतनी प्यारी लगी कि यार मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यार ये 800 रुपये या 900 रुपये के इतने अच्छे स्टैंड आउट कर जाएंगे। तो गाइस साउंड क्वालिटी टॉप नॉच, मिड हाई लो एकदम परफेक्ट, डिस्टॉर्ट भी नहीं होती है और बेस भी गाइस इतना अच्छा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब वैसा नहीं है कि यार जो हम लोग को ईयरफोन्स में देखने को मिलता है एकदम भारी डायनेमिक साउंड वाली जो बेस होती है कि भाई बेस पूरा कवर हो गया है, अच्छे से भर रखा है, बट जितना सफिशियंट है उससे थोड़ा सा ज्यादा इसके अंदर बेस है और जितना गाइस मुझे सुनना है उतना मेरे लिए एडिक्वेट है और बहुत ही प्यारा बेस आता है इसमें। तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस 90-95 के ऊपर जब जाओगे तो यार हल्की सी डिस्टॉर्शन आती है, बट यार कभी कभार तो मुझे वो भी नहीं आती हुई। गाने पर डिपेंड करते हैं कि अगर आपके गाने के अंदर जो बीट्स हैं वो थोड़ी सी ज्यादा हाई होंगी या भारी होंगी तो गाइस थोड़ा सा जो प्रेशर है ड्राइवर पे पड़ता है तो उससे क्या होता है थोड़ा जो साउंड है वो डिस्टॉर्ट करने लग जाती है। तो गाइस 90-95 तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बस 95 के बाद जो बेस है वो हल्का सा डिस्टॉर्ट होता है। बट गाइस साउंड और बेस में तो मुझे मजा आ गया और आपको अगर जाना है तो इसको खरीद सकते हो। और जो लास्ट पॉइंट बचा है गाइस वो कॉल क्वालिटी के बारे में बचा है। तो कॉल क्वालिटी गाइस इसकी इतनी प्यारी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने इससे पहले गाइस 3-4 ईयरबड्स यूज करे हुए हैं और अनबॉक्स भी करे हुए हैं, आपके लिए बताए भी हुए हैं कि भाई उसके ऐसे ऐसे चीजें होती हैं, ऐसे फीचर्स हैं। इसकी कॉल क्वालिटी उन सबके मुताबिक मुझे बेस्ट लगी। मतलब इवन आप अगर अभी जैसे मैं खाली रूम में बैठा हूं तो उसमें प्यारी आवाज आएगी, इवन आप अगर रोड वगैरह पे भी हो तो थोड़ी सी गाड़ियों की आवाज के साथ आपकी भी आवाज क्लियर जाएगी, दूसरे तीसरे बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मतलब अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ दोस्त वगैरह से तो मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियरली सुन सकता है, इतने प्यारे इसके माइक्रोफोन्स हैं। लेकिन गाइस ये नहीं है कि आप बाहर जाओगे तो एकदम प्यारी आवाज़ आएगी, थोड़ी सी ट्रांसपोर्ट या स्कूटी हॉर्न वॉर्न की आवाज़ साथ में आ जाती है, लेकिन इसकी कॉल क्वालिटी बहुत प्यारी है। तो गाइस मतलब 800-900 रुपये में आपको और क्या चाहिए, साउंड क्वालिटी इतनी प्यारी, बेस क्वालिटी इतनी प्यारी, कॉल क्वालिटी इतनी प्यारी और मतलब मुझे लगती भी बड़े अच्छे क्योंकि थोड़े से मैट फिनिश के हैं ये। तो गाइज ये पूरी ईयरबड्स है, ठीक है। ये वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको मजा आया होगा और गाइज ये आप बिना सोचे समझे ले सकते हैं अमेजोन से, ठीक है। मैं कोई स्पॉन्सर, मतलब किसी ने मुझे स्पॉन्सर नहीं करा है, मैं खुद मतलब अपनी चीजें मंगाता हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ ताकि यार आप लोगों को भी थोड़ा सा अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ। और वैसे मैं बता दूँ कि भाई अगर कोई पेट्रॉन का देख रहा है तो यार स्पॉन्सर मुझे कर सकता है, मेरा ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है उस पर आप आ सकते हो और स्पॉन्सर कर सकते हो। तो गाइज कभी कभार मुझे अपना भी थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है ना। तो गाइज ये वीडियो यहीं तक थी, आयो आपको मजा आया और मजा आया तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कुछ भी करो कमेंट कर देना और नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है मेरी शर्ट की तरह उसको क्लिक करो, उसके बाद में नोटिफिकेशन बेल उसको प्रेस करो ताकि जब भी मैं आप जैसे अभी अनबॉक्सिंग की वीडियो है या फिर ब्लॉग्स है वो डालूं आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन गाइज जय हिंद।